राम राम एनटीभी कोहलपुरमा से प्रसारण हुति रहल थारू भाषक समाचारमा स्वागत बा मै कृष्ण चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार खुला सीमानक कारण मानव बेचबिखन जोखिम बहरते बाँकेक जमुना नाकामा से एक वर्षमा 507 जना महिला व बालबालिकाको उद्धार लुम्बिनी प्रदेश सरकार हन खाद्य अधिकार समन्वय सम्बन्धी ऐन बनिनामन ध्यानाकर्षण ऐन निबनबेर किसानको पहिचान लगायतको काम मन समस्या रोटिक बड्डी केदार गाउँपालिकाको 5 लाना मन 4G सेवा विस्तार 4G सेवा विस्तार व्हीलसँग स्थानीय हुक्र खुसी ओ नमा समय से कूटनीतिक विवाद अन्त्य करती आपसी सम्बन्ध फेरो सब बढैना कटारो बहराइन सहमत एकता हो एकीकरण परिणाम आपसी चाहना आप समाचार विस्तारमा खुला सिमानाके कारण महिला ओ बालबालिकनक ललाई फकाखन नाका पार कैखन भारतको मेरमेरिक बजारमा पुगैना काम लगातार हुइति रहल बाट मानव बेचबिखन क ढेर जोखिम मन रहल नेपाल गञ्जमन रहल जमुनाहा नाकाम प्रहरी ओ और संघ संस्था निगरानी बढाए कडा करलसे फे मेरमेरिक डगर से महिला ओ लड़का परकन नाका पार करैना काम रोगी लग्नी हो मानव बेचबिखन रोक्ना काम सक्रिय गैर सरकारी संस्था माइती नेपाल बाँके जमुनाहा नाका से गैल एक वर्षक अवधिमा 507 जना महिला ओ बालबालिका हुकनक उद्धार करल जनाइल बाट माइती नेपालगञ्जक कार्यालय सार्वजनिक करल तथ्याङ्क अनुसार गैल एक वर्षक अवधिमा जोखिम अवस्थामा नाका पार कर लगलक 507 जना महिला ओ लड़का परका जमुनाहा नाकामा से नेपाल प्रहरी समेतको सहयोगमा उद्धार करल जना गेल बाट माइती नेपालगञ्जक संयोजक केशव कोइरालक मेरमेरिक बहाना ओ लोभ लालच देखन पछ्यौ नेपालको डाङ सुर्खेत सल्यान दैलेको जाजरकोट लगायत के जिल्ला मसे लानखन नाका पार कराए लागबेर 507 जनक उद्धार कैखन घर पठागी लगसनैलबाट मानव बेचबिखन रोक समय समयमा नेपाल ओ भारत सुरक्षा अधिकारी सङ्घ छलफल ओ संवाद कार्यक्रम फे कर्णा करल माइती नेपाल जनाइलबा लुम्बिनी प्रदेश सरकार हन खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन बनाई ध्यानाकर्षण करागिल बाट नागरिक समाज तथा अधिकारवादी संघ संस्था खाद्य अधिकार ऐन बनाई ध्यानाकर्षण करागिल हो खाद्य अधिकार ऐन निबनबेर किसान हुकनक पहिचान वर्गीकरण परिचय पत्र लगायतको काम आघ बढाए से गिलक निहो लुम्बिनी प्रदेश सरकार हन खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन बनाए ओ कार्यान्वयन कर ध्यानाकर्षण करगिल बाट केन्द्र सरकार खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 निर्माण कारखान चार वर्ष पुरा होस्याकल बाट तर प्रदेश ओ स्थानीय तहक ऐन कार्यान्वयनक लाग नियमावली बनल निहो लुम्बिनी प्रदेश फे प्रदेश ईश्वरक खाद्य अधिकार ओ खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन निर्माणक लाग काम हुइति रहल कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कहाइ रहल बा खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट मन्त्रालय तथा तयार पारल बाट खाद्य संप्रभुता सुनिश्चितता लाग तीन तहक सरकार तत्कालीन अल्पकालीन ओ दीर्घकालीन उपायक खोज कर परिणाम जोर दिहल बाट लुम्बिनी प्रदेशक कृषि ओ भूमि व्यवस्था मन्त्री तुलसीराम शर्मा प्रदेशमा खाद्य अधिकार ओ खाद्य संप्रभुता ऐन निर्माणक लाग सकुजनक सङ्घ समन्वय कर्जिनाफे जनैल बाट कञ्चनपुरमा स्थानीय तह ओ जिल्ला प्रशासन ट्वाकल डर रेट लागू निहुबेर किसान हुक्र समस्यामा परल बाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तह जिल्ला डर रेट टोकल सेफे ट्र्याक्टर व्यवसायीनक मेर हरिक मनोमानी मन मूल्य निर्धारण करखन रकम लिहे लागल पाछ किसान हुक्र मर्का मन परल बाट कञ्चनपुरमा गहुँ थ्रेसिङ स्थानीय तह हुक्र प्रति घण्टा 2200 थेसे 2500 रुपियाँसम्म ट्वाकल बाट जिल्ला प्रशासन प्रति क्विन्टल 240 रुपियाँ दरले डर रेट कायम करल बाट टोटो ट्र्याक्टर व्यवसायी परिक गहुँ थ्रेसिङ करल बापत प्रति घण्टा 3000 से 3300 रकम लेना करल बाट स्थानीय तह व जिल्ला प्रशासन दर रेट कायम करल सेफे अनुगमन तथा धेर भाडा लेना हुकनक कारवाही कर निस्याकल अपना हुक्र सद मर्का मन परल किसान हुकनक गुनासो रहल बाटन गान
गहुँ उत्पादन करबेर जोटलक सिंचाई मलखाटो थ्रेसिङ लगायतको खर्च बहर्ती गैलसेफे किसानको लागत अनुसारको मूल्य निपाइबेर गहुँ खेती गर्न किसान हुक्र हरेक वर्ष घटी जाइति रहलफे बाट कञ्चनपुर मन 31210 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ हुइना करलबा समाचारको क्रम जारी रहलबा आबकलाके घची बिसाई व्यापारिक विश्राम पास फेरो स्वागत बा बाकी समाचार डोटिक बड्डी केदार गाउँपालिका पाँच लानामन 4G सेवा विस्तार हुइलबाट टावर बनैलक करिब एक वर्ष पाछ 4G सेवा विस्तार हुइलकसँग स्थानीय हुक्र खुसी हुइलबाट स्थानीय हुक्र विराम हुइबेर समेत रातक समय मन अस्पताल लैजाए एम्बुलेन्सक खबर कर समस्या हुइती आइल ओ अब यी समस्या समाधान हुइना बड्डीकेदार गाउँपालिका पाँचक पूर्व अध्यक्ष बुड्डी सागर बिनाडी जनैलबाट ओडा मन 4G सेवा विस्तार हुइल पाछ अब गाउँपालिकामा हुइलक सूचना लगायतक समाचारमूलक सामग्री आदान प्रदान कर सहज हुइल बड्डीकेदार गाउँपालिका पाँचक ओडा अध्यक्ष पदम सिंह बोहरा जनैलबाट बाँकेक नेपाल गञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 रामलीला मैदान मनोकाल्पनिक आगलागी तथा उद्धार प्रतिकार सम्बन्धी संयुक्त अभ्यास निम्जलबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेक आयोजना करल उ अभ्यासमा गर्मी सिजन मन बाँके मन हुइना थेर आगलागीको घटना उद्धार हो न्यूनीकरणका लाग अभ्यास कार्यक्रम आयोजना गरिलग हो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेक आयोजना मन पहिलेसे सीमा सामा कैखन बनावटी घटना अभ्यास नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी रेड क्रस प्रहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना व और सरकारवाला हुकनक सहकार्य मन आगलागी सम्बन्धी बनावटी घटना अभ्यास करल आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रके सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन गेवाली जनैलबाट गर्मी बेलामा नै आगलागीको घटना बहरना हुइलमा र आगलागी नियन्त्रण ओ व्यवस्थापनका लागि बनावटी अभ्यास उपयोगी हुइना प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य जनैलबाट कार्यक्रममा नेपालगञ्ज महानगरपालिका लगायतका प्रशान्त विष्ट बाँके उच्च तापक्रमका कारण गर्मी याममा नै आगलागीको बडा जोखिम रहल बेला सावधानी अपनाइ पर्नाफे जनैलबाट डिभिजन वन कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कामकाजमा नसकस हुना करलबाट सरकार दरबन्दी अनुसारके कर्मचारी निपठाइबेर सेवाग्राही हुक्र मार्मा परलबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार माटहटमा रहल डिभिजन वन कार्यालयमा माग अनुसार कर्मचारी निहिबेर एक अधिकृत के भरमन कामकाज हुइति आइलबाट डिभिजन वन माटहटके छ सब डिभिजनका वन कार्यालयमा अधिकृत स्तरको दरबन्दी हुइलसेफे वन रक्षक कार्यालय सञ्चालन कर्ती ऐति रहल डिभिजन वन कार्यालयकी सूचना अधिकारी सुभाष चन्द्र एडी जनैलबाट सब डिभिजन वन कार्यालयमा छ अधिकृत दरबन्दी हुइलसेफे दुई जनक भरमन चल्ती रहलबाट दरबन्दी अनुसार ओ जनशक्ति निहिबेर सैनिक प्रशासनिक काम दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित हुइना करल एडीके कहि रहल बाटन इलाका वन कार्यालयक लाग 28 वन रक्षक के दरबन्दी रहना करल बात तर 28 वन रक्षक इलाका वनमन प्रशासन चल्ती आयल बात अधिकृत स्तरक दरबन्दी 8 जहनक हुइलसेफे दुई जनकेल कामकर्ती रहल बाट भौगोलिक विकटताक कारण वनमन लागल राहत नियन्त्रण ओ जार मौसममा वन्यजन्तु चोरी शिकारीके घटना न्यूनीकरण कर जनशक्ति अभावको कारण सकस हुइना करल वन अधिकृत भोजदास पाठक जनैलबाट वनोमन हुइना आगलागी ओ वन्यजन्तु चोरी शिकारी नियन्त्रणका लाग सुरक्षाकर्मीनका सहयोग लिए पर्ना पाठक कहाइ रहल बाटन कौनो बेला पश्चिम नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य 9 लाउ सयर कैखन कटकुनिया फुला तुर पैना पाल्पक कमल पोखरी तलवा संरक्षणको कमीमा अतिक्रमणकी चपेटामा परलबाट
सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्डसँग जोरलक तलुवा आन्तरिक तथा बाहिरहे पर्यटक घुम्ना ढेर सम्भावना रलसेफे पूर्वाधार विकासके कमीके कारण कुरूप बन लागलक हो। लाउ कमल पोखरी कलसेफे कटकुइयाक फुला फुल छुवारल हो तलुवा फे साँकिर हुइती तलुवा नै हेरैना हो कि कना चिन्ता मन अब पालपाली बासी हुक्र रहल बाट तलोहन अब जलकुम्भीले छपक छपक धाक छापल बाट पहिल सञ्चालन मन आयल लाउ बिवाडिसे जसिन बनल बाट हरेक निर्वाचन मन कमल पोखरीक संरक्षण कैखन पर्यटन प्रवर्धन करना बाट कैखन उम्मेदवारीके घोषणा पत्र लिखल सेफे निर्वाचन पास भरिक कमल पोखरी गुमनाम जसिन हुइना करल बाट फलस्वरूप कमल पोखरी के संरक्षण प्रवर्धन पूर्वाधार विकास क लाग तीन तहक सरकार लगानी बढ़ाए जरूरी देख परल बा। समाचार का क्रम जारी रहल बा। अब क्लाक फिर से घची बिसाई अपनाब एनटीभी कोहलपुर हेरकी रहल बाटी आप बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर प्लास्टिक के झ्वाला प्रयोग मन रोक लगैना भेल बाट ऐना बैसाख एक गति ठेसी लागू हुइना करखन जिल्ला मन प्लास्टिक के झ्वाला आयात बिक्री वितरण ओ प्रयोग मन प्रतिबन्ध लगैना निर्णय भेलक। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद आचार्य जानकारी देल बाट लौ वर्षक बैसाख एक गति से जिल्ला भर प्लास्टिक के प्रयोग आयात और बिक्री वितरण में रोक लगैना बारे मन सार्वजनिक सूचना समेत जारी कैस्याकल हुकाहा कहाई रहल बाटन। कार्यालय एक महीना आघ जो सूचना जारी करखन प्लास्टिक के झोला आयात बन्द कर निर्देशन दिहेल रह। 40 माइक्रोन से पातिर प्लास्टिक के झोला उत्पादन आयात बिक्री वितरण ओ प्रयोग कर निपाजिना प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरियाल के कहे रहल बाटन। लौ वर्ष से प्लास्टिक के प्रयोग तथा बिक्री वितरण कर पहिल मन वातावरण संरक्षण ऐन 2076 वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 बमोजिम कार्यवाही हुइना भेल बाट प्रतिबन्धित झ्वाला प्रयोगमा तथा बिक्री करना ह कसुरके मात्रा हेरखन 50,000 जरिमाना हुइना प्लास्टिक झ्वाला प्लेट गिलास ओ गुटखा बिक्री मन रोक लगैती कार्यान्वयन कर निर्णय हुइलक। जिल्ला समन्वय समिति के प्रमुख दुर्गा दत्त बोहरा जनैल बाट आज स्वान चाँदीक भाव ओत्रह रहल बाट। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आज छापावाल स्वान प्रतिट्वाला 1,10,800 रुपया मन कायम रहल बाट। अस्तक तेजाबी स्वान के भाव फे आज 1,10,250 रुपया रहल बाट। काल बुधक स्वान के कारोबार ओत्रह में किनबेच हुइलक रह। आज चाँदीक भाव फे ओत्रह ट्वाला मन 1,450 रुपया कायम रहल बाट। कालो आस बराबर रहल बा। आप विदेशी समाचार। नमा समय थेसे कूटनीतिक विवाद अन्त्यकर्ती आपसी सम्बन्ध फेरोस बनैना कैखन कतार ओ बहराइन सहमत हुइल बाट। सन् 2017 साउदी अरब संयुक्त अरब इमिरेट्स ओ इजिप्त सँग बहराइन कतार उपर एकसँग कूटनीतिक नाकाबन्दी जगाइल रह। खाँदी क्षेत्रक चरमपन्थी संगठन हुक्र समर्थन करल ओ ईरान संग ढेर लघ रहल आरोप लगैती ई द्वासर कतार ऊपर नाकाबंदी लगाल रह। साउदी मन रहल खांदी सहयोग परिषद के मुख्यालय मन व्हील वार्ता मन मेलमिलाप के बारे मन सहमति रहल। कतार विदेश मंत्रालय जनाल बाट कतारी विदेश मंत्रालय आज एक विज्ञप्ति जारी कैखन संयुक्त राष्ट्र संघक ब्रापत्रक सन्दर्भ मन दुई देश बीच के कूटनीतिक सम्बन्ध फेरोस बनैना निर्णय हुइलक जनैल बाट। द्विपक्षीय सम्बन्ध विकासक सङ्ग खाँदी राष्ट्रबीच एकता ओ समीक एकीकरण बढैना आपसी चाहना अनुसार दुनु देश बीच सहमति रहल कतारी विदेश मन्त्रालय विज्ञप्तिमा उल्लेख करल बा। समाचारको अन्तमा मुख्य समाचार फेरोस एक सो खुला सिमानाको कारण बेचबिखन जोखिम बहर्ती बाँकी जमुना हानाका म एक वर्षमा 507 जना महिला ओ बालबालिकाको उद्धार।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन बनाइनामा ध्यान आकर्षण ऐन 99 किसानको पहिचान लगायतको काममा समस्या डोक्टिक बडीकेदार गाउँपालिकाको 5 लाना मन 4G सेवा विस्तार 4G सेवा विस्तार हिलसँग स्थानीय हुक्र खुशी ओनममा समितिसे कूटनीतिक विवाद अन्त्य कर्ती आपसी सम्बन्ध फेडोस बनिना कटारो बहराइन सहमत एकता एकीकरण बहराइन आपसी सहना लिटर समाचारको क्रम अत्रह मैफी बिदा हुइतु राम राम।